हेलो स्टूडेंट वी स्टार्ट स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर सब्सटेंसेस इन डेली यूज विथ थ्री ऑब्जेक्ट डू यू सी इन दिस पिक्चर आपको कौन से तीन ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं तो आपको दिख रहा है चेयर टेबल वॉड्रूब आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा मटेरियल इसमें यूज हो रहा है तो देखिए आप ये चेयर से बोल सकते हैं ये वुड है ये प्लास्टिक है ये आयरन है कैन एनी वन ऑफ दिस मटेरियल बी यूज टू मेक ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट यस yes, हम बना सकते हैं इनको प्लास्टिक की चेयर भी बनती है टेबल वुड का बन सकता है आयरन का बन सकता है टेबल प्लस ये वुड से भी बन सकता है वॉड्रो दैट मीन्स हम कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा चीज़ें उसकी हम बना सकते बहुत सारे अब्जेक्ट बना सकते हैं ऐसे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेस दैट मीन्स यहाँ पे जैसे ये चेयर है ये ऑब्जेक्ट है और ये किससे बनी है वुड से दैट मीन्स वुड क्या हुआ इसका सब्सटेंसेज ऑल सब्सटेंसेज आर मेडअप अपॉर ए स्मॉल पार्टिकल जो सब्सटेंसेज हैं वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं ऑब्जेक्ट आर मेडअप ऑफ सब्सटेंसेज और जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बना है सब्सटेंसेस से ऑब्जेक्ट है अ स्पेसिफिक शेप उस ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक शेप होता है जैसे चेयर का शेप फिक्स है टेबल का शेप फिक्स है कि इसमें चार लेग्स बनाए जाते हैं ऊपर आउटर से प्लेन सरफेस बनाया जाता है चेयर है तो फोर इसके लेग्स रहते हैं सिटिंग सरफेस रहता है सपोर्टिंग के लिए बैक सपोर्टिंग रखा जाता है ओके बाय विच वी आइडेंटिफाई दैम वी यूज वोट प्लास्टिक और स्टील टू मेक अ टेबल हम वोट प्लास्टिक और स्टील से मिलकर टेबल चेयर और कब्ड बनाते हैं दीज सब्सटेंसेज हैव द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू मेक दिस आर्टिकल और जब भी इन टाइप के जो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उसमें सब्सटेंस की स्ट्रेंथनेस बहुत रिक्वायर्ड होती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए ऑल्सो दि सब्सटेंस कैन बी गिवेन अ डिजायर शिप और उस सब्सटेंसेज से वो जो शेप हम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं इट मीन्स डैट वी कंसीडर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसिस टू यूज़ दैम फॉर मेकिंग थिंग और सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से ही हम डिसाइड करते हैं कि उससे कौन सी चीज बनाई जा सकती है द सेम सब्सटेंसेज और मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मैनी ऑब्जेक्ट एक ही सब्सटेंस और मटेरियल से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं लेट स्टडी सम सच एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं कॉटन कॉटन से क्लोथ फाइबर और थ्रेड साड़ीज़ हैंक चिप वेल्ट मैट्रस पिलो बनते हैं इन सब का यूज़ हम डेली में करते हैं आयरन से कंसेक्शन स्टील बार्स बनती हैं ग्रिडल बनते हैं तवा पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल बनते हैं tawa, इलेक्ट्रिक पोल बनते हैं टेबल्स बनते हैं कबड बनते हैं एल्यूमिनियम से किचन यूटेंसिल बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाए जाते हैं बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस वी कैन सेलेक्ट सब्सटेंस सुटेबल फॉर आवर पर्पस हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से किस पर्पस के लिए उस सब्सटेंस का यूज करना चाहते हैं हम सिलेक्ट कर सकते हैं द सब्सटेंसेस इन एवरीडे यूज आर ऑफ टू मेन काइंड जो सब्सटेंसेस हैं उनका जो यूज है जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं नैचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंसेस नेचुरल और मैनमेड नाम से ही पता चल रहा है नेचर से मिलने वाले और मैनमेड तैयार करते हैं क्लासीफाइड द फॉलोइंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज हम जिनका यूज़ करते हैं उनके ग्रुप में हमको इनको बांटना है जैसे देखिए विंडो ग्लास बैम्बू कॉटन ब्रिक्स सिल्की सिल्क लीफी वेजिटेबल सीमेंट फ्रूट वाटर्स अब सेंड विंडो ग्लासेस बैम्बू ब्रिक्स ये सारी चीज़ें सीमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं घर बनाने में यूज़ होती हैं वुल सिल्क कॉटन ये हमारा कौन सा मटेरियल है ये मटेरियल हैं जो कि हम क्लोथ वग़ैरह बनाने में यूज़ करते हैं और ये नेचुरल सब्सटेंसेस हैं नेचर से मिलते हैं हमको ब्रेक लीफी वेजिटेबल फ्रूट वाटर शुगर ये हमारे सब कौन से फूड आइटम्स हैं ओके इनमें से कुछ नेचर से मिलते हैं कुछ सब्सटेंसेस मैन मेड हैं जैसे सीमेंट मैन मेड है ब्रिक्स मैन मेड है प्लस आप देख सकते हो ग्लास से ग्लास को भी बनाया जाता है तो ग्लास भी मेन मेड है विंडो ग्लास सैंड हमको नेचर से मिलती है सोप मेन मेड सब्सटेंसेज हैं वूल सिल्क और कॉटन uh, ये हमारे नेचर के से मिल जाते हैं हमको वाटर हमको नेचर से मिल जाता है कैन यू टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ नेचर सब्सटेंस लादर जूट वूल कॉटन एंड वाटर सोइल, मेटल इसमें हमको दो नेचुरल सब्सटेंसेस दिए हुए हैं ग्रुप्स बताने हैं इसमें तो देखिए आप लादर जूट वूल और कॉटन। ये सब नेचुरल सब्सटेंस हमको एनिमल से मिलते हैं वाटर सॉइल और मेटल हमको नेचर से मिलते हैं जैसे वाटर सॉइल और वाटर हमको नेचर से मिलता है सॉइल लैंड से मिल जाता है और मेटल अर्थ के सरफेस से मिलता है तो इनमें से कुछ कौन से सोर्सेस हैं हमारे एनिमल से मिलते हैं और कुछ हमको लैंड से मिल जाते हैं अब हम पढ़े हैं नेचुरल सब्सटेंसेस के बारे में नेचुरल दैट मीन्स हमको जो नेचर से मिलते हैं सब्सटेंस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस जो सब्सटेंस हमको नेचर से मिलते हैं उनको हम कौन से सब्सटेंसेस कहते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस ऑफ दिज द फर्स्ट ग्रुप आर ऑप्टेंड फ्रॉम लिविंग थिंग कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि हमको लिविंग थिंग से मिलते हैं सब्सटेंसेस ऑप्टेंड फ्रॉम लिविंग थिंग आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंसेस जो सब्सटेंसेज हमको लिविंग थिंग से मिलते हैं वो कौन से सब्सटेंसेज कहलाते हैं बायोटिक सब्सटेंसेस, एयर सॉइल वाटर आर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ऑपटेन फ्रॉम लिविंग थिंग ये हमको लिविंग थिंग से नहीं मिलते हैं नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं हमारे अबायोटिक सब्सटेंसेस, ओके आपको इसमें फ़र्क पता चल गया ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग थिंग से मिलते हैं वो बायोटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं जैसे लैदर जूट वूल कॉटन ये सारी चीज़ें हमको एनिमल से मिलती हैं तो ये कौन से सब्सटेंसिव हो गए लिविंग थिंग के तो ये क्या कहलाते हैं हमारे बायोटिक सब्सटेंसेज एयर सॉइल वाटर ये सब्सटेंसेज हमको लिविंग थिंग से नहीं मिलते हैं. हमको डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं तो ये कौन से सब्सटेंसिक हो गए हमारे अबायोटिक सब्सटेंसेज ये देखिए ये कॉटन के सीड्स रहते हैं कॉटन के इस तरह से ये प्लांट रहते हैं इसमें से कॉटन को निकाला जाता है और फिर हमारा कॉटन को प्रोसेस के थ्रू गिनिंग करके और ये तरह से क्लोथ के लिए हमारे प्रोसेस किया जाता है इस तरह का ये कॉटन का प्लांट से हमको मिलता है ओके हाउ आर लेदर एंड वुल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन लेदर एंड वूल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन लैदर और वूल ये हमको किससे मिलते हैं एनिमल से और जूट और कॉटन हमको किससे मिलते हैं प्लांट से यहाँ मैंने आपको बताया कि ये प्लांट से मिलते हैं हमको लैदर एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल दे आर ऑफ एनिमल ओरिजन लैदर और वूल हमको किससे मिलते हैं एनिमल से मिलते हैं जो कि एनिमल ओरिजन कहलाते हैं वेयर इज जूट एंड कॉटन आर प्लांट ओरिजिन और जो जूट और कॉटन है वो कैसे मिलते हैं हमको प्लांट से मिलते हैं डू वी फाइंड प्लास्टिक नाइलॉन ब्रास और सीमेंट इन नेचर नहीं हमको पता है प्लास्टिक नायलॉन ब्रास और सीमेंट हमको नेचर से नहीं मिलता है इनको मैनमेड द्वारा बनाया जाता है इसको प्रोसेस के थ्रू मैनमेड बनाते हैं अब यहाँ पे हम मैनमेड सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं इट इज़ अ्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर द नेवर थिंग एंड टू ट्राई टू मेक लाइफ मोर कम्फर्टेबल ह्यूमन का नेचर है कि नई थिंगों के बारे में सोचना और अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाने के लिए नई चीज़ों को बनाना एज अ रिजल्ट ऑफ एज एफर्ट्स मैन नॉट ओनली लर्न टू यूज़ नेचुरल सब्सटेंसिस बट ऑल्सो बिगन टू प्रोसेस दैम टू मेक न्यू सब्सटेंसेज और यही रिजल्ट था उनके अफर्ट्स का मैन का कि वो न सिर्फ नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ कर रहा था बट उनको यूज़ करके नई सब्सटेंस बनाने लगा था सेवरेज सच सब्सेंस आर इजियर टू यूज एंड कैन बी मेड अवेलेबल इन प्लान्टी एट अ लो कॉस्ट और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो कि बहुत ईजीली बन जाते थे और लो कॉस्ट में बन जाते थे देयर फॉर दिस सब्सटेंसी केम टू बी यूज ऑन अ लार्ज स्केल और ये जो सब्सटेंसेज थे बहुत लार्ज स्केल में बनने लगे देयर आर ग्रेट मैनी सच मैन मेड सब्सटेंसेज इन यूज टूडे और आज बहुत सारी मैन मेड सब्सटेंसेज हम यूज कर रही हैं न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय प्रोसेसिंग नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैनमेड सब्सटेंसेस नए सब्सटेंसेस जो कि नेचुरल मटेरियल से प्रोसेस करके बनाए गए हैं वो कौन से सब्सटेंसेस कहलाते हैं मैनमेड सब्सटेंसेस जैसे आप देख रहे हैं ये पेंसिल है ये मैनमेड है बट बनी किससे है वोट से और वोट हमको कहाँ से मिल जाता है प्लांट से बुक बुक भी किससे बनती है आपको पता है ट्री से ट्री के बैम्बू से तो ये भी किसी में नहीं ने है नेचर से सॉइल से ये सॉइल से मिलकर बना है तो सॉइल भी हमको किससे मिलती है नेचर से डैट मीन्स हम नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ करके हमारे कंफर्टेबल के लिए हम ये चीज़ें बनाते हैं एरलिस और कैप्स मेड ऑफ़ क्रॉस और सैक क्लॉथ वर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन कैप्स और एरिस बड़ी सी कैप रहती है जिसका यूज़ किया जाता था ग्रास से और सैक क्लॉथ किसके लिए करते थे रेन में प्रोटेक्शन के लिए सैक क्लॉथ ऐसा एक क्लॉथ रहता है जो कि पानी को सोखता नहीं है पानी को गिरा देता है देन क्लॉथ अम्ब्रेला कम इन टू यूज और उसको यूज़ करके क्या बनाए गए कम आ, अम्ब्रेला बनाए गए नाओ अड्डे द रेनकोट स्कूल बैग एंड द बुक कवर्स यू यूज़ कैन बी मेड फ्राम प्लास्टिक और आजकल क्या यूज़ होने लगा है रेनकोट स्कूल बैग बुक कवर्स ये सारे किसके बनने लगे हैं प्लास्टिक के डेलीकेट आर्टिकल पेरिशबल फ्रूट्स एक्सेट्रा रिक्वायर पैकिंग डेलीकेट आर्टिकल और जो बहुत महंगे फ्रूट्स भी हैं तो उनको पैकिंग करने के लिए भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं टू पिक पैक टी वी सेट रेफ्रिजरेटर बिग कार्टून एंड थर्माकोल आर बी यूज टी वी सैट रेफ्रिजरेटर के लिए बिग कार्टून थर्माकोल का हम यूज करते हैं ऑल दीज आर मैन मेड सब्सटेंसेज ये सारे कौन से सब्सटेंसिस हैं मैन मेड सब्सटेंसेस हैं दीज सब्सटेंसेज आर वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस ये सब्सटेंसिस वाटर प्रूफ हैं और वाटर रजिस्टेंस दैट मीन्स वाटर पानी इनको गीला नहीं कर पाता है ये पानी से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बाकी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं या हमारी यूज़फुल आइटम हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं लाइट वेट एंड ईजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ये लाइट वेट होते हैं और ईजी रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए दैट्स वाई दे आर बींग यूज इंक्रीजिंगली इसके लिए इनका बहुत यूज़ बढ़ गया था लेकिन आज के समय जो पर करंट है हमारा उसमें थर्माकोल पे बैन लगा दिया गया है क्योंकि थर्माकोल डिस्पोजेबल नहीं है जिसके कारण करंट में थर्माकोल पे बैन लगा दिया गया है आप थर्माकोल का यूज़ नहीं कर सकते हैं कि okay, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं मैनमेड सब्सटेंसेस के एरिया ऑफ यूज़ कंस्ट्रक्शन में कौन सा नेचुरल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं और मैनमेड सब्सटेंसेस ये ग्रुप बनाए गए हैं देखिए नेचर नेचर से हमको बैम्बू मिलता है स्टोन मिलते हैं सॉइल वुड कोकोनट फ्रॉन्ट्स और लाइन और हम क्या क्या यूज़ करते हैं ब्रेक्स मैनमेड है सीमेंट बनाते हैं कॉन्क्रेट गैलवनाइज शीट क्ले टाइल्स प्लास्टिक एब्सप एसबस्टर सीट ये सारे मैन मेड सब्सिस है। राइटिंग मटेरियल में हम क्या यूज़ करते हैं पुराने समय में ट्री बार क्लीव यूज़ करी जाती थी जिसको भुर्जा पत्रा भी बोलते थे पैंस मेड फ्रॉम रीड्स धूली पत्तियाँ स्टोन स्टेट स्टोन वॉल इन केव सॉइल एंड कलर्स मेड फ्रॉम प्लांट ये क्या करते थे धूली पत्त्या स्टोन स्टेट था स्टोन वॉल इन केव्स में यूज़ किए जाते थे सॉइल कलर्स मेड फ्रॉम प्लांट से पैन और अभी हम मैनमेड में क्या यूज़ कर रहे हैं पैन पेंसिल जो कि प्लास्टिक से बनती है मेटल पेपर नोटबुक थ्रेड्स फाइबर यान मतलब ये थ्रेड्स फाइबर में कौन कौन से नेचुरल सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं हम कॉटन सिल्क और वूल और मैनमेड कौन से हैं इसी में नेचर में से हमने इनको थोड़ा सा और अच्छा बना के क्या कर लिया हमने नायलॉन और रियॉन का यूज़ कर रहे हैं